आज मैं आपको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में बताऊंगी, EFT। जिनको अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो गया है और जो अपने पार्टनर के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे हैं, जो इंसान रिलेशनशिप में बार बार गलतियां करते हैं, ये टेक्निक उन लोगों के लिए, ये टेक्निक उन लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि इग्नोर करने वाले पार्टनर को भी वापस से अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर वो इंसान चाहे तो बहुत आसानी से उस रिलेशनशिप में मूव ऑन भी कर सकता है। इमोशनल स्ट्रॉन्ग बने बिना उस इंसान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। रिलेशनशिप के शुरुआत में आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, क्योंकि तब आप अपने पार्टनर के सामने कुछ अलग थे, लेकिन अब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल अटैच्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका रवैया भी चेंज हो चुका है और इसीलिए आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। इस वीडियो में मैं 3 चीजों पर बात करूंगी। नंबर 1, अटैचमेंट कम करना जरूरी क्यों है। नंबर 2, अटैचमेंट को कम कैसे करें। नंबर 3, इससे आपको रिलेशनशिप में फायदा क्या होगा। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। दिमाग चलाओ और जवाब दो। एक गली में -- बच्चे खेल रहे थे। उस गली में से एक -- औरत गुजर रही थी। उस -- औरत के हाथ में -- थी। उन -- बच्चों ने उस -- औरत की -- गिरा दी। इन 7 खाली जगहों में एक ही शब्द आएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे DM करें। इसके साथ ही मैं सप्ताह में 3 दिन शाम 8 बजे मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे फेसबुक पेज पे लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर लाइव क्वेश्चन करके लाइव समाधान पा सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए यहाँ पे फेसबुक पेज की ID शो हो रही होगी, उसे फॉलो जरूर करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज, अटैचमेंट को कम करना जरूरी क्यों है। अटैचमेंट को कम करना जरूरी क्यों है, ये समझने के लिए जेम्स लैंग के सिद्धांत को समझना होगा। ये सिद्धांत हमें ये समझाता है कि अगर आपको कोई भी चीज हर्ट कर रही है और आप उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, ज्यादा फोकस करते हो, तो वो चीज आपको और ज्यादा हर्ट करेगी। मतलब कि अगर आप रो रहे हो क्योंकि आप हर्ट हुए हो, तो अगर आप ज्यादा रोओगे तो आप और ज्यादा हर्ट होगे। तो इस तरह से आप इमोशन के सर्कल में ज्यादा तेजी से फंसते चले जाओगे। जब आपको हर्ट होता है तब आप रोते हो, जब आप रोते हो तो और ज्यादा हर्ट होता है। एक चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो आप उस चीज के बारे में जितना सोचते हैं तो आपकी तकलीफें उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। मेरा जो दूसरा वाक्य है उसे ध्यान से सुने। अगर आपको आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है और उसके कारण आप पैनिक फील कर रहे हैं, आप पैनिक दिखोगे, आपको ज्यादा हर्ट तो हो रहा है, लेकिन अगर आपने अपने पार्टनर को ऐसा दिखाया तो वो आपको और ज्यादा इग्नोर करेगा। आपने ये एक्सपीरियंस तो करा होगा जब आपके पार्टनर के इग्नोर करने से आपको तकलीफ होती है और जब आप उससे फरियाद करते हो, आप उसे जब दिखाते हो, तो आपका पार्टनर आपको और ज्यादा इग्नोर करता है। इसलिए हमें इस अटैचमेंट की चेन को ब्रेक करना होगा। नंबर 2, अब बात करेंगे इस अटैचमेंट की चेन को खत्म कैसे करें। अटैचमेंट को खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का EFT। अगर आपको आपके पार्टनर की कभी बहुत ज्यादा याद आती है, आपको बहुत ज्यादा उससे बात करने का मन करता है, बहुत ज्यादा बेचैनी फील होती है, तभी आप इस टेक्निक का यूज करना। क्या है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT क्या है? एग्जैक्टली अपनी प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करिए। आपका पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहा है, तो जो कुछ भी आपको इमोशनल पेन हो रहा है, तो वो समझने की कोशिश करिए कि आपको अटैचमेंट ज्यादा है, आपको इमोशनल पेन हो रहा है, क्या एंजाइटी हो रही है, क्या डिप्रेशन फील हो रहा है। एग्जैक्टली अपनी प्रॉब्लम को समझिए। दूसरा स्टेप, अपनी प्रॉब्लम को समझिए, अपनी प्रॉब्लम को मेजर करिए। जैसे कि आपने पहले पाया था कि आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा था, तो इसके कारण आपको इमोशनल पेन फील हो रहा था, उसको मेजर करिए, पता लगाइए इमोशनल पेन आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे थोड़ा कम हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। तीसरा स्टेप, आपको एक वाक्य बनाना है जो आपके प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करता है, लेकिन मैं कम्प्लीटली डीपली एक्सेप्ट करता या करती हूँ,
इस वाक्य को आपको याद रखना है और कंप्लीटली तरीके से इसे बना लेना है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपको इस वाक्य को ऐसे बना लेना है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है, फिर भी मैं कंप्लीटली डीपली इसे एक्सेप्ट करता या करती हूँ। स्टेप नंबर 4, अब इसे प्रैक्टिकल करना है। आप शरीर के अंग जैसे कि हाथ, फिर माथा, फिर आंख के नीचे की हड्डी, नाक के नीचे, लिप्स, उसके बाद कॉलर के पास जहाँ बटन लगती है, यहाँ पे जो हड्डी होती है, अगली जगह आर्म के नीचे 4 इंच नीचे, इन सभी जगहों पर आपको 3 बार टैप टैप करते हुए उसी वाक्य को बोलना है। हर जगह टैप टैप करते हुए 3-3 बार बोलना है। जो आपने वाक्य बनाया है उस वाक्य को 3-3 बार इन जगहों पे टैप टैप करते हुए बोलना है। जब आप ये प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तब आप इनको रोक दीजिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए, वापिस से मेजर करिए पेन कितना था और ऐसा करने के बाद कितना कम हुआ है। फिर से मेजर करिए और सोचिए कि आपका पेन एग्जैक्टली कितना कम हुआ है। अगर आपको और जरूरत लगती है तो आप इसे दोबारा से दोहरा सकते हैं। आप इन चीजों को 15 से 20 दिन तक ट्राई करिए और फिर मेजर करिए इमोशनल पेन आपका कितना कम हुआ है। नंबर 3, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से रिलेशनशिप में आपको फायदा क्या होगा? जब आप किसी भी इंसान से बहुत ही ज्यादा इमोशनल अटैच्ड होते हैं ना, तो आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। और जब आप उस इंसान के सामने बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं तो आप एक अलग ही व्यक्ति रहते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो एक समय पे अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा अटैच थे और इस टाइम उनके पार्टनर ने उनको बहुत ज्यादा इग्नोर किया, जिसके कारण उनके पार्टनर के साथ जो अटैचमेंट होता था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और वो धीरे धीरे अपने पार्टनर के सामने एक डिफरेंट इंसान के रूप में उभर के सामने आने लगे। वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और उनका एटीट्यूड और बिहेवियर भी उनके पार्टनर के लिए पूरी तरह से बदल जाता है और इसके बाद वो अपने पार्टनर को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर पाते हैं। और जो इसी कारण से उनका पार्टनर इग्नोर कर रहा था वो उनकी ओर और तेजी से अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली ज्यादा अटैच्ड होते हो तो आप एक डर में रहते हो, पेन में रहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ एक लूजर की तरह बिहेव करते हो, जिसके कारण आपका पार्टनर आपको और ज्यादा इग्नोर करता है। लेकिन जब आपका अटैचमेंट नहीं रहता है तब आप ज्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सोच के एक विनर की तरह उनके सामने रिएक्ट करते हो, पार्टनर के सामने आप कैसे बिहेव करते हो ये चीज खेल को पूरी तरह से बदल देती है। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको इमोशनल अटैचमेंट कम करना ही होगा। अगर आप अटैच रहोगे तो इमोशनल पेन होगा, जैसा कि मैं आगे बता आई हूँ, और आप ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर पाओगे और आपका पार्टनर आपको इग्नोर भी करेगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना समझना है कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है तो उसके सामने आपको कैसा बिहेव करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर वाकई में अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो जाना, अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।